इस फिल्म के बारे में मैं जब सब्जेक्ट तो मैं बता नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे डायरेक्टर ने इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी है। और जहां तक मेरे अपने किरदार का सवाल है, मैं एक डॉन, एक भाई का रोल अदा कर रहा हूं, जो घर में बैठे अपने डैन में बैठा हुआ सब गलत काम करवाते रहता है, जो भी है मतलब, है ना। अब उसके हिसाब से सही है लेकिन कानून के हिसाब से तो गलत हो गई। आप इंडस्ट्री में दो दशक से ज़्यादा समय बिता चुके हैं एज एन एक्टर, काफ़ी बड़े डायरेक्टर से प्रोड्यूसर के साथ काम किया है, जब कोई नए डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ काम करते हैं तो कितना रिस्पेक्ट इन्वॉल्व होता है उसमें? मैं चाहे वो नया डायरेक्टर हो, चाहे वो पुराना डायरेक्टर हो, चाहे वो कितना ही बड़ा डायरेक्टर क्यों ना हो, मैं अपना काम करता हूँ और मैं उतनी इज्जत देता हूँ नए डायरेक्टर को जितना कि मुझे मैं पुराने डायरेक्टर को देता हूँ। क्योंकि मैं मानता हूँ कि मैं चाहे कितनी फिल्मों में काम कर चुका हूँ, कितने ही सालों से मैं फिल्मों में काम कर रहा हूँ, लेकिन डायरेक्टर इज़ द कैप्टन ऑफ द शिप, डायरेक्टर इज मेन, वॉट एवर डायरेक्टर विल से आई विल डू एंड आई हैव टू डू। एक्टर एक्टर के लिए रोल और उसकी जो प्यास है, भूख जो है, वो कभी ख़त्म नहीं होती है। एक्टर को जितने भी आज बच्चन साहब को भी पूछेंगे तो वो भी कहेंगे यार उनको भी बहुत कुछ करना है, हालांकि इतना इन्होंने अलग अलग डिफरेंट किरदार किए हुए हैं। एक्टर के हिसाब से मैं भी, मेरी भी बहुत ख्वाहिशें हैं कि डिफरेंट रोल्स मिलें। मैं अब नाउ अब मेरी ज़्यादातर मैंने कॉमेडी फिल्म की है, कॉमेडी रोल्स किए हैं, अब मैं थोड़ा सीरियस रोल करना चाहता हूँ। थैंक यू। सब्जेक्ट क्या है और किस तरह का ट्रीटमेंट होगा फिल्म में आपके द्वारा? एक्चुअली सब्जेक्ट मर्डर मिस्ट्री और रोमांटिक दोनों है, बट सब कुछ अभी बोल दूंगा तो आप लोग सिनेमा हॉल में क्या करेंगे? नहीं, जो मर्डर मिस्ट्री है कोई फिल्म से इंस्पायर्ड है, कोई किताब से इंस्पायर्ड होती है, फिल्म भी होती है, कोई चीज या घटना से इंस्पायर्ड होती है, ये कुछ घटना से इंस्पायर्ड है? घटना से नहीं, काल्पनिक बोल सकते हैं, एक कल्पना किया हुआ है और बहुत अच्छा बुना गया है, ताना बुना, बाकी थिएटर में मालूम पड़ता है कैसा है क्या है, ऑडियंस बताएगी, है ना?